Hello everyone, how are you? Hope you are fine. So, I am here with the continue video for chapter number 8, that is how do organisms reproduce, and today's topic is female reproductive system. Okay, so let's try and understand the topic that is most important for sexual reproduction of human being. So, as you can see, the diagram of female reproductive system, which is given in your textbook, is shown in the screen. So let's proceed with the same topic. So it is basically composed of many parts, like it's composed of ovary, then it is composed of fallopian tube, then it contains uterus, cervix and vagina. Okay, there are two fallopian tubes and two ovaries. So there are a pair of ovaries connected to a fallopian tube, each on either side. Okay students, so now let's try to understand in detail. So as you can see over here, ovary is shown in left side and in right side. So ovary's main function is to produce the egg or female gamete cell, that is nothing but ovum or egg cell. There are two ovaries, one near each fallopian tube, as I already informed you. So all the eggs are produced by the ovary while the female child is still in the womb. सभी eggs है वो यहाँ पे ही produce होने वाले हैं, बाकी female child है वो यहाँ पे बनेगा uterus में, ठीक है? One egg matures in each ovulation. हर एक month में एक अंडा है वो mature होगा. मतलब अगर January में left side से एक egg mature हो रहा है, तो February में दूसरी साइड से मैच्योर होगा. सो फॉर ईच अल्टरनेट मंथ एग इज मैच्योर्ड इन द अल्टरनेट ओवरीज. ओके स्टूडेंट्स, द एग इज कोट बाय फ्लिम्बरिए एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब. तो इसको क्या रीड करते हैं, फ्लिम्बरिए. तो फ्लिम्बरिए क्या है, ये रहा. तो जो भी एग आएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं ये सबको मिटा देता हूँ तो आपको अच्छे से फ्लिम्बरिए है वो मालूम होगा. सो इफ यू कैन ऑब्जर्व द फिगर, सो दिस इज नथिंग बट फ्लिम्बरिए. ओके स्टूडेंट्स, सो द एग विल बी डायरेक्टली कॉट इन फ्लिम्बरिए एंड इट विल बी देन ट्रेवलिंग टू फेलोपियन ट्यूब एंड देन टू द यूटरस. ओके, सो द एग इज कॉट बाय फ्लिम्बरिए एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब. सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा फ्लिम्बरिए कहाँ क्या है और एग कहाँ से जनरेट होता है. एग जनरेट होता है ओवरी से, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आगे जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स. क्यों ट्यूब्स लिखा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ है, इसलिए ट्यूब्स लिखा है. वन फेलोपियन ट्यूब कम्स आउट फ्रॉम ईच साइड ऑन द टॉप ऑफ यूटेरस. तो ये यूटेरस है पोर्शन स्टूडेंट्स, उनके टॉप साइड से दोनों फेलोपियन ट्यूब है वो बाहर आ रही है, जो ओवेरी से कनेक्टेड है, जैसे आप अच्छे से देख सकते हो. राइट, द फेलोपियन ट्यूब है इज टर्मिनेटेड विद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज फ्लिम्बरिए. तो ये फेलोपियन ट्यूब है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे हमारी उंगली के प्रोजेक्शंस होते हैं वैसे हैं. तो ये जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे ही है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लिम्बरिए, जो कनेक्टेड होता है ओवेरी से, जिसका काम है एग को स्नैच करना, एग को स्टिक करना. कहाँ से, ओवरी में से, ठीक है. फर्टिलाइजेशन हेल्प हैपेंस इन फेलोपियन ट्यूब. तो जो भी स्पर्म आएगा स्टूडेंट्स यहां से, तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखनी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब वाले पोर्शन में होगा. फेलोपियन ट्यूब क्या है, जो दोनों तरफ है आपको ऐसे यू शेप में जो दिख रही है उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो यूटेरस के टॉप पार्ट में होती है. फेलोपियन ट्यूब के लास्ट में फ्लिम्बरे होता है, फ्लिम्बरे है वो ओवेरी से कनेक्टेड होता है और एग बनता है वो ओवेरी में. तो एग आएगा यहाँ पे और वो वेट करेगा स्पर्म का, ये स्पर्म जाते हुए फ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स फ्यूजन. ओके, आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, फ्यूजन होगा ओवेरी में और फर्टिलाइजेशन भी ओवेरी में होगा. तो जाइगोट, सॉरी, फ्यूजन होगा फेलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी फेलोपियन ट्यूब में, तो ऑब्वियसली जाइगोट भी यहाँ पे ही बनेगा. जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इन फेलोपियन ट्यूब. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, सो नोट कर लीजिए, सब कुछ नोट करते जाइए इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. यूटेरस, तो यूटेरस क्या है स्टूडेंट्स, मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, जो ये आपको शेप दिख रहा है उसको यूटेरस बोलते हैं. जो फेलोपियन ट्यूब
है वो कनेक्टेड होती है यूटेरस से। यूटेरस के टॉप पार्ट में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स का जो कनेक्शन है उसका जंक्शन आप बोल सकते हो यूटेरस है। सो इट्स अ पियर शेप्ड, ये पियर शेप है, होलो मस्क्यूलर ऑर्गन, मतलब ये फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। यूटेरस इज द प्लेस वेयर एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड। यूटेरस एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो, एंड डेवलप्स इंटू एन न्यू बॉर्न बेबी, और यहाँ से ही नया बच्चा है वो जन्म लेता है। तो जो भी यहाँ पे जाइगोट बनेगा वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए नीचे के पोर्शन में आते हुए यहाँ पे पूरे यूटेरस में चाइल्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ से ही मदर का वोम्ब है वो राइज होता है। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूटेरस प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग फिटस। तो इसकी जो दीवार है, वॉल है, वो क्या प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन, और साथ में जो भी नया चाइल्ड है उसको सेफ्टी भी देगा, बाहर की जो भी शॉक्स है उसको एब्जॉर्ब करके उसको सेफ्टी भी देगा, और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा द यूटेरस विल ट्राई टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग चाइल्ड एज वेल एज विल ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी टू द ग्रोइंग चाइल्ड। Now let's move to the vagina part. So what is vagina? As you can see, it's the first part or it's the first entry point of a sperm. तो sperm है वो यही रास्ते से अंदर आएगा. Okay, female reproductive system का कौन से पार्ट में से? मेल गैमेट से एंटर करता है तो उसका नाम है वेजाइना। वेजाइना से स्पर्म एंट्री करेगा। तो सर्विक्स और द माउथ ऑफ द यूटेरस, तो यूटेरस का मुंह है बाहर, ठीक है, ओपन्स इनटू वेजाइना। वेजाइना इज ऑल्सो मस्क्यूलर ट्यूब लाइक ऑर्गन्स विच सर्व्स एज अ पैसेज फॉर द स्पर्म। पैसेज है किसका? स्पर्म्स का। ऑल्सो एक्ट एज ए कैनाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। यह चाइल्ड बर्थ के लिए कैनाल की तरह काम करता है। ये कैनाल सिस्टम है जो स्पर्म को ज्वाइन करता है हमारे एग सेल के साथ। ठीक है, एग सेल रिलीज होता है ओवेरी से, ओवेरी से वो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन होते ही यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस प्रोसेस होगी, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और लास्टली आपका जो बेबी चाइल्ड है वो यहाँ पे होता है जिससे उसको न्यूट्रिशन और सेफ्टी मिलती है। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लेसेंटिया एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल ऑफ मदर। यूटेरिन वॉल में ही ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटिया, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, काम होता है न्यूट्रिशन सप्लाई करना एम्ब्रियो को। ठीक है, इट कंटेन्स विली, विली इज अ एब्जॉर्प्शन एरिया, ठीक है, ऑन द एम्ब्रियोज साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस विच सराउंड विली। ब्लड की स्पेसिस के बीच में विली होता है, या फिर विली को पूरा सराउंड करता है ब्लड। ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास करने के लिए ये काम आता है कौन? प्लेसेंटिया। ठीक है, ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को प्लेसेंटिया से पहुंचाया जाता है एम्ब्रियो तक। ओके, तो ये प्लेसेंटिया होता कहाँ पे है? यूटेरिन के वॉल में स्टिक होता है। कैसे होता है? विली और ब्लड के साथ होता है। ठीक है, और ये विली है वो एब्जॉर्प्शन एरिया प्रोवाइड करता है जिसके कारण ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों सप्लाई होता है बॉर्न चाइल्ड को। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। तो ये जो एम्ब्रियो है या फिर चाइल्ड है वो वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट करेगा, वो वापस दे देगा प्लेसेंटिया में। ये है प्लेसेंटिया, आप देख सकते हो, इट्स लाइक अ डिस्क शेप, ये प्लेसेंटिया है। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्लेसेंटिया, तो ब्लड से फिर से वो वापस दे देगा वेस्ट, वेस्ट को वापस दे देगा प्लेसेंटिया को। प्लेसेंटिया से फिर वो मदर के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो प्लेसेंटिया है वो खाना भी देता है, और कचरा है वो जो एम्ब्रियो या बोर्न चाइल्ड में से निकलता है उसको भी शरीर में से बाहर निकलता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन साइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 months। 9 months का पीरियड होता है, अप्रोक्सीमेटली 275 days स्टूडेंट्स, जिससे पूरा एक जाइगोट
या फिर पूरा एक फर्टिलाइज्ड एग है वो बन जाता है एक बेबी चाइल्ड। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन द यूटेरस। तो यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो यूटेरिन की वॉल है उसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस होने के कारण साइज है उसकी, किसकी साइज, जो सेल की साइज बढ़ती है या फिर एम्ब्रियो बढ़ के फिटस बन जाता है, फिटस बन के एक बेबी चाइल्ड बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको एक पूरी एक साइकिल दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकोगे कि एक मैच्योर्ड या फिर एक फर्टिलाइज्ड एग है वो कैसे एक एम्ब्रियो में से फिर वो बन जाता है बेबी चाइल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हो कि एक जाइगोट होता है, वो एक मल्टी सेल्यूलर सेल पूरा एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है जाइगोट, आप देख सकते हो। एक सेल में से दो, दो में से चार हुआ मियोसिस सेल डिवीजन के कारण, वो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट फेज है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फिटस, फिटस के बाद एग्जैक्टली लास्ट नाइन्थ या सेवन एट नाइन्थ मंथ जब एक बच्चा बाहर निकलता है मदर्स वोम से, तो वो बेबी बन के बाहर आता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया जाइगोट कैसे बना, कहाँ बनता है, ठीक है, और ये लास्ट में यूटेरस से ही बाहर निकाला जाता है। ओके, सो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।